अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मौलाना शफ़ीकुल्ला, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू शफ़ीकुल्ला सोशल मीडिया। आज मेरी हाजिरी बाबा गौर के एक दूसरे मज़ार शरीफ पर हो रही है और ये मेरी दूसरी हाजिरी है। इससे पहले वाली वीडियो में आपको मैं बताया था कि आज मैं जो है बाबा गौर के जो हज़रत नूबी मुबारक उर्फ़ गौरी शाह रहमतुल्लाह जो अलैह हैं उनके ताल्लुक़ से मैं बता रहा हूँ, और इसके बाद मैं जो दूसरी मज़ार आऊँगा जहाँ पर शेर हाजिर रहता है उस ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊँगा। तो पहली वीडियो तो मैंने बना दिया था, अब दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि हज़रत अब्बास अली जो हैं ये कौन हैं और ये कहां से आए हैं, इनकी करामतें क्या हैं। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि जो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि बाबा और हज़रत नूबी मुबारक उर्फ़ गौरी शाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं ये उनके सगे भाई हैं, और जो ये हैं कि ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान से हैं, उनकी नस्ल से हैं, और इनका सिजरे नसब जो है उनसे ही मिलता है। और ये सूडान से आए थे, जो हज़रत बिलाल हबशी है ना वो हफ्स वहीं से आए थे। और जो ये पहले आपको गुजरात में एक जगह भावनगर है, भावनगर मुस्लिम रहते हैं, कुछ दिन रहने के बाद फिर वहाँ से आप आते हैं यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूरी पर एक जगह झमारिया पड़ता है। झमारिया से कुछ दूरी पर एक जगह रतनपुर है, एक कस्बा, और रतनपुर से थोड़ी दूर पर उनकी मजार से बनाई गई है बाबा गौर के नाम से, जो बहुत मशहूर है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो बाबा अब्बास अली जो है ये कैद हो जाते हैं बाबा वहाँ के। बाबा दूसरी बात है कि अब्बास अली ये सगे भाई है ना, अब्बास अली के बहुत सारी करामत हैं, बहुत सारी आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो शेर आता है देने के लिए, तो वो शेर जो है अभी मतलब कम आता है, लेकिन है कि ये रात कभी कभी खा जाता है और सभी के लिए तो आता है। ये जाने से रुक गया कि भाई ये जो पेड़ है, इस पेड़ के बारे में कुछ वापस बताइए। वहाँ जाने से रोक दिया जाता है, ये है कि मतलब वहाँ पर हाजिर देने के लिए आता है शेर। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर नगारा जो है वो नगारा बजता है असर की नमाज के बाद, जब नगारा बजता है तो तकरीबन 10-15 मिनट बजता है, उससे नगारा जब तक बजता है तो वहाँ पर चुड़ैल शैतान वाले लोग होते हैं, और कोई भी हो जिसके रहता है सबके हाथ में शुरू हो जाती है। जो ये बाल जो लगा है, क्या बाल कैसा है? बाल के जरिए तो चीज जाती है, बाल जो है ना बाला बिहार में अपने बाल होता है जादू जादू तो खत्म हो जाता है ना। हाँ फिर भी मैं बड़ा छोटी बना लिया और दूसरे मकसद के तहत गया था, इसके लिए मैंने इसे वीडियो शूट कर लिया है। आवाज़ को शूट नहीं किया था, आवाज़ को मैं बाद में शूट करके मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो यही कि आवाज़ और वीडियो में हो सकता है कि थोड़ा मैच ना होने पाए, तो वॉइस ओवर जो है वो थोड़ा अलग रहेगा, और वीडियो तो वीडियो में वीडियो के तालुक से बताऊँगा। तो अब जो आप देख रहे हो नगारा जब बजता है तो ये शैतान
लेकिन वो बाद में बनाना पड़ा तो वो मैंने बना दिया है। ये है की जब मैं अब तीसरी मतलब में जाऊंगा तो मैं बना यहाँ पे 3,000 शरीफ है। तो एक तो पहली वीडियो में बना चुका हूँ और दूसरी वीडियो ये है तीसरी मजार शरीफ की वीडियो मैं बनाऊंगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में दायत पे लाखों सलाम, शहर आरे इरम ताज तारे हरम, शहर आरे इरम ताज तारे हरम, नौ बहारे शफात लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में दायत पे लाखों सलाम, कि अर्श तापर शिर है जिसके ज़ेर नगी, अर्श तापर शिर है जिसके ज़ेर नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, गौसे आजम इमाम तुका मुका, गौसे आजम इमाम तुका मुका, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उन्हें के शौकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका।
یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات و سلام